हम जनता के पास जाना चाहेंगे कि एक तो हमने जो पिछले 28 महीने के अंदर में बहुत काम किया है, इसको काम जो हमने किया है इसके बारे में लेकर, और आने वाला जो हम दोबारा सरकार बनाएंगे उसमें हम डेवलपमेंट काम करेंगे, वो सब डेवलपमेंट को लेकर हम जनता के पास जाना चाहेंगे। एक बड़ा मुद्दा जो रहता है कि यहाँ 26 मेजर ट्राइब्स बताए जाते हैं, अलग अलग सोसाइटीज, उनको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए पिछले 28 महीने में। हाँ, हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में मेजर टाइप 26 है, सब टाइप 110 है, उन सबको खाना पीना अलग, भाषा अलग, धर्म अलग लेके जाना तकलीफ तो है, फिर भी लोगों ने मुझे बहुत कॉपरेट किया और हर एक काम में हर एक टाइप ने मुझे साथ दिया। एक बात जो देखने में आती है कि बहुत बड़ा इलाका जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता है, इसको लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, यहाँ के लोग भी बहुत सेंसिटिव है, प्लस बाहर भी बहुत तरह की खबरें आती हैं, तो आपको लगता है कि ये जो खबर निकलती है या जो बातें निकलती है वो ज़्यादा इस वजह से होती है कि यहाँ के लोगों को लोग जानते कम है, पहचानते कम? नहीं, यहाँ का जो है हमारा चाइना का साथ जो है 1200 किलोमीटर है और भूटान के साथ 160 किलोमीटर्स है और म्यांमार के साथ 440 किलोमीटर्स है। अरुणाचल प्रदेश जो है 3 इंटरनेशनल बॉर्डर पे पड़ता है और एक यहाँ के खास करके जो बाकी का इतना दबाव नहीं है, मगर जो चाइना जो अननेसेसरी जो बार बार क्लेम करते हैं अरुणाचल के बारे में, तो लोग गांव वाले क्या होगा कल हमारा क्या होगा बार बार पूछते हैं, तो लोग हम उनको समझाता है कि अभी लड़ाई नहीं होगा, चाइना भी हमारा अच्छा एक मित्र देश है, पड़ोसी देश है, और कोई भी जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बातचीत कर रहे हैं और ये इसका हाल निकलेगा, तो इसलिए जो बाकी जगह में तो भूटान के साथ हमारा बहुत शांतिपूर्वक है, मैं इनको हमेशा डिस्टर्ब मिलता हूँ उनसे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी हो और हर एक बॉर्डर में हर एक विलेज को जो है रोड कनेक्टिविटी देंगे, और तीसरा जो है हर एक जगह में जो लाइट देने के लिए और हर एक जगह का पीने का पानी और हर एक जगह में एजुकेशन को हम सुधार कर रहे हैं और हर एक जगह में हेल्थ के लिए, उसके बाद जो हमारा एग्रीकल्चर्स, हॉर्टिकल्चर्स और वेटनरीज
कहीं कहीं अरुणाचल में बहुत जगह है जहाँ में कई जगह में याक सीप बहुत होते हैं, कई जगह बेल्ट में मिथुन बहुत होते हैं, और कई जगह में हॉर्टिकल्चर बहुत होते हैं, और कई जगह में एग्रीकल्चर होते हैं। तो यहाँ में अरुणाचल में एक बहुत बड़ा जगह होने का कारण से कि ये जैसे नीड बेसिस पर जाना पड़ेगा डेवलपमेंट का, जिस जगह पर एल्टीट्यूड को लेकर मौसम को लेकर ये सब का काम करना है। तो हम 5 साल के अंदर जो भी करना है, हमारा एयरपोर्ट पूरा बनना है, और असेंबली बिल्डिंग बनना है, सेक्रेटरी बिल्डिंग बनना है, ब्रिजेस बनना है, कॉलेज बनाना है, लॉ कॉलेज बनाना है, मेडिकल कॉलेज बनाना है, बहुत काम है। तो हम ये मुद्दा लेकर पब्लिक के पास जा रहे हैं, और मुझे आशा है कि हमारा अरुणाचल के जितना भी माता पिता भाई बहन है और जो हमारा लड़का लड़की है, वो लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। से हमने जो लास्ट टाइम जो मीटिंग किया था कि हर एक बैंक में जो नोट को जो डिपॉजिट लेता है लोगों से, कस्टमर से, उसको चेक करने के लिए मशीन लगाने के लिए हमने कहा था। तो आज जितना भी बैंक था उनसे हमने रिवाइव मीटिंग किया, तो उनको बस मशीन आ चुका है, अभी वो चेक कर रहा है। कहीं कहीं बैंक से नकली नोट मिला है, और हमारा जो कंप्लेंट मेरा है, और हमारा एसपी डीसी और हमारा पूरा काम कर रहा है, और एक आदमी को आरएसपी भी किया है। तीसरा ये था कि ये एक ऑन 19 मार्च 1955 लॉजी खांडू won the election from Mukto constituency of Arunachal Pradesh. He was elected in 1990 uncontested in the assembly election of Mukto constituency. After that, in 1995 also he got unopposed and re-elected for assembly. In 2007 he became the 6th chief minister of Arunachal Pradesh, replacing Gegen Hopong government. Dorji Khandu, he worked in Indian army and he was very much regarded and appreciated by the Indian army. He worked 7 years for Indian Army as an intelligence survey detective. 30th April 2011, in a tragic incident, in a helicopter crash, he died. People are in pain and they are praying for the eternal soul of Dorji Khandu, who won the election and became the Chief Minister of Arunachal Pradesh.